दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आपका एक YouTube चैनल है और आपके YouTube चैनल का अभी तक मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुआ है तो आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मैं इस वीडियो में अपने कुछ टिप्स और ट्रिक देने वाला हूँ। अगर आप उन टिप्स और ट्रिक को फॉलो करोगे अपने चैनल पर जाके तो आप अपने यूट्यूब चैनल का मात्र 3 दिन के अंदर अंदर मोनेटाइजेशन को इनेबल करवा लोगे। ये मैं आप लोगों को गारंटी से बोलता हूँ और यहाँ पर लिख के दे देता हूँ। दोस्तों आप लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखोगे और मैं आप लोगों को यहाँ पे जो टिप्स और ट्रिक दूंगा उन्हें अगर आप अपने चैनल पे जाके फॉलो करोगे तो आप अपने यूट्यूब चैनल का जो मोनेटाइजेशन है सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर इनेबल करवा लोगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को जानने के लिए बता देता हूँ, मेरे जो 3 चैनल हैं तीनों चैनल का मैंने मोनेटाइजेशन जो है यहाँ पे 3 दिन के अंदर अंदर दोस्तों बता देता हूँ, यहाँ पे अंदर अंदर मैंने इनेबल करवा लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों को दूंगा और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने अपने चैनल के साथ क्या टिप्स और ट्रिक लगाई थी जिससे हमारे जो चैनल का जो मोनेटाइजेशन 3 दिन के अंदर अंदर इनेबल हो गया था। तो यहाँ पे आप लोगों को जो वीडियो में यहाँ पे वीडियो देखोगे तो आप लोगों को 100% जो है फायदा होगा। तो वीडियो को आप शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देख लीजिए, ठीक है। तो मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट चैनल है जो मैंने 2017 में खोला था और यहाँ पे मैंने जो वीडियो डालना शुरू की थी टैग पे, तो यहाँ पे मेरा जो चैनल जो है यहाँ पे लगभग मैंने 1 साल तक उस चैनल पे काम किया था। इसके बाद मेरा जो चैनल का मोनेटाइजेशन मैंने यहाँ पे रिव्यू में भेजा और 3 दिन के अंदर अंदर जो यहाँ पे मुझे जो है यूट्यूब की तरफ से मेल आई कि कांग्रेट्स और पार्टनर प्रोग्राम एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे मुझे उस टाइम खुशी हुई थी कि मेरा जो है यहाँ पे मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया और यूट्यूब ने बोला कि अब आपका जो यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल हो चुका है, अब यहाँ पे आप जो है अपनी वीडियो से अर्निंग कर सकते हैं। उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो इस टाइम मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी होती, वो सभी को होती है अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपके साथ अगर ऐसा होगा तो आप लोगों को भी एक जरूर खुशी होगी, ठीक है। तो यही मेरे साथ हुआ था उस टाइम। इतना टाइम मतलब मुझे पेमेंट आने पर नहीं हुआ था उस टाइम, मुझे जितना जो है खुशी हुई थी मोनेटाइजेशन ऑन होने पर, ठीक है। तो उस टाइम मेरा जो है यहाँ पे मतलब क्या हुआ, 10 दिन लगे थे, इसके बाद मेरा जो एडसेंस है वो डिसेबल हो गया था। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। इसके बाद दूसरी बार मेरा जो है 1 महीने के लिए डिसेबल हुआ था। इसके बाद यहाँ पे लास्ट जो है यहाँ पे जो है डिसेबल हो गया परमानेंटली। इसके बाद मैं उस चैनल पर कोई भी अर्निंग नहीं कर पा रहा हूँ आज की डेट में। अगर आप चेक करेंगे टेक्निकल माइंड तो उस पर मेरे जो है 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, तो वो आप लोग चेक करके देख लेना। तो यहाँ पे मैंने क्या गलती की थी वो मैं आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा। अगर आप लोग ऐसी गलती करोगे तो आपका भी जो है आगे जाने के बाद यहाँ पे आपका भी YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए जो है इस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, ठीक है। चलिए दोस्तों उस बात को तो मैं साइड में रखता हूँ। अब बात आती है कि आप अपने YouTube चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो 3 दिन के अंदर अंदर किस तरीके से इनेबल करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं जिस चैनल पे, तो इस चैनल का भी जो मोनेटाइजेशन है वो सिर्फ मैंने 3 दिन के अंदर अंदर इनेबल करवाया था। और यहाँ पे दोस्तों मैंने अपने चैनल पे जो है क्या किया था, लोगों को आपने देखा होगा कोई बोलते मेरा 1 महीना हो गया है और 6 महीने हो गए हैं तो अभी तक मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे चांस मिलते हैं 3, अगर 3 चांस में अगर आपका यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होता है तो इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कभी भी लाइफ में आपका जो है यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक बात ये पे जान लीजिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों को करना क्या होगा। जब दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज डालते हैं तो आप लोग कोई ऐसी वीडियोज मत डाले जो YouTube की कॉमेडी गाइडलाइन के खिलाफ हो, YouTube की जो गाइडलाइन है वो वहाँ पे जो है ब्रेक करे पॉलिसी को, तो ऐसी वीडियो मत डालना। और कोई भी पॉलिसी हो XYZ तो वो भी ब्रेक ना करे। और यहाँ पे इसके बाद दोस्तों आप अपने YouTube चैनल का जो मोनेटाइजेशन के लिए जहाँ पे अप्लाई करते हो वहाँ पे आप लोग अप्लाई करने से पहले ये बात चेक कर लें अपने YouTube चैनल पर जाके कि आपने अपने चैनल पर कोई ऐसी वीडियो तो नहीं डाली है जो कॉमेडी गाइडलाइन को जो है ब्रेक करे या कोई भी गाइडलाइन को ब्रेक करे। अगर ऐसी कोई वीडियो पड़ी हुई है आपके यूट्यूब चैनल पर तो तुरंत से आप लोग उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। प्राइवेट नहीं करनी है दोस्तों, डिलीट करनी है उस वीडियो को। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को डिलीट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को फिर से आप लोगों को मतलब जिस तरीके से यहाँ पे आप लोग अपने YouTube चैनल पे चेक करते हैं उसी तरीके से YouTube की जो टीम होती है वो भी आपके YouTube चैनल को चेक करती है कि आपके YouTube चैनल पर कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो कॉमेडी गाइडलाइन को वायलेट करे, ठीक है। और ये रोबोट होते हैं वो आपके व्यूज वगैरह आते हैं वो शो कराती है, लेकिन यहाँ पे जो आपका चैनल रिव्यू किया जाता है वो YouTube की जो टीम होती है वो रिव्यू करती है। इसके बाद वो डिसीजन लेती है कि आपके YouTube चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो इनेबल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए। तो वो जो है टीम चेक करती है, तो वही काम आप लोग अपने चैनल के साथ कीजिए। आप अपने YouTube चैनल पे जाके चेक कीजिए कि आपकी जो कोई भी वीडियो कॉमेडी गाइडलाइन को या कोई भी गाइडलाइन को ब्रेक तो नहीं कर रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आपकी जो कोई वीडियो ऐसी रहेगी तो भी आप लोगों का YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे अगर आपने कोई वीडियो आपकी चल रही है और आपकी आपको लगता है कि इस वीडियो पर मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ था और यहाँ पे ये वीडियो
वीडियो जो कॉमेडी गाइडलाइन को ब्रेक कर रही है और आप लोगों ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया है तो भी आप लोगों का मोनेटाइजेशन चैनल का इनेबल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो यूट्यूब चैनल का जो वॉच टाइम आया उसी वीडियो से आया, अगर आपका वॉच टाइम वहाँ पे उस वीडियो से कंप्लीट हुआ था तब भी आपका यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा जब तक आप लोगों का जो रियल वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप लोगों ने कोई रियूज कंटेंट उठा के वीडियो बना के अपलोड कर दी है या किसी की वीडियो उठा के अपलोड कर दी है जिस पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आई है, आपके यूट्यूब चैनल की जो वॉच टाइम की क्राइटेरिया होती है वो उस वीडियो से पूरी हो गई है, तो तब भी आपके यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो मेन चीज बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को करना क्या होगा, आपको अपने YouTube चैनल को रिव्यू करना होगा, चेक करना होगा और कोई भी वीडियो गलत है तो उसे डिलीट करनी होगी। डिलीट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो कोई भी वॉच टाइम है आप लोगों का ओरिजिनल वॉच टाइम होगा तभी आपके चैनल को मोनेटाइज किया जाएगा, नहीं तो आप लोगों को एक महीना दो महीना लग सकता है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों जो है फेल हो जाए, यहाँ पे जो है यहाँ पे मोनेटाइजेशन अप्लाई करते हो वहाँ पे फेल हो जाए, इसके बाद आप लोग सेकंड बार अप्लाई करना होगा और चेक करके करना होगा, फिर होता है फेल, फिर आप लोगों को लास्ट जो है चांस मिलता है तीसरी बार भी अगर आपका जो है मोनेटाइजेशन फेल हो जाता है इसके बाद आप लोग लाइफ में कभी अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे अगर तीन दिन के अंदर अंदर मोनेटाइज करना है तो आप लोगों को पॉलिसी के जो है यहाँ पे खिलाफ नहीं चलना है, पॉलिसी के जो है यहाँ पे संग चलना है, जो भी पॉलिसी यूट्यूब की रहती है तो उसके साथ चलना है। और इसके बाद वीडियोज़ बनाइए और वीडियोज़ लोगों के समझ में आनी चाहिए, नॉलेजेबल वीडियो होनी चाहिए, ठीक है, और ऐसी वीडियोज़ बनाइए तो यहाँ पे आप लोगों का जो चैनल का मोनेटाइज है वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता दिया है, अगर आप अपने YouTube चैनल को जो है रिव्यू करके मोनेटाइजेशन के अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप लोगों का 100% तीन दिन के अंदर अंदर मोनेटाइज चैनल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ लीजिए, और दोस्तों बस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।